अब इन गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है। तो एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, नकली नोटों के साथ में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि ये नकली नोट कहां से लेकर आए और कहां सप्लाई करने वाले थे। तो बरेली में एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है, नकली नोटों के साथ में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। और गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, गैस सिलेंडर की सब्सिडी में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, गैस सिलेंडर की सब्सिडी में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है और कोर्ट के आदेश पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। डेटा बदलकर सब्सिडी में हेरफेर पर कार्रवाई हुई है, कुल 3024 लोगों की सब्सिडी हड़पने का आरोप है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने केस दर्ज कराया है। गाजियाबाद कोर्ट के आदेश पर थाना कवि नगर में केस दर्ज किया गया है। तो डेटा बदलकर सब्सिडी में हेरफेर की गई थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है, कुल 3024